चार जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो आप हैं बहुत ही मेहनती, हर काम परफेक्शन के साथ करने वाले, इरादों के पक्के, हर कीमत पर अपने लक्ष्य को पाने वाले, किसी भी तरह का समझौता ना करने वाले, लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाले, काम पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते, अपनी बुद्धि के बल पर अपनी मंजिल पा लेते हैं, कोमल और गंभीर स्वभाव लिए, प्रेम और पारिवारिक रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने वाले, कर्मठ होते हैं, सहनशील होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं, इनके आत्मसम्मान को जरा सी भी कोई ठेस पहुंचाए बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, लाइफ में हर सुख सुविधा से भरपूर, फिर भी किसी न किसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं, हर बात में अपनी चलाते हैं लेकिन फिर भी अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी केयरिंग होते हैं, अपनी चीज़ों के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का ये समझौता नहीं करते। इनकी लाइफ में अगर किसी व्यक्ति की एंट्री हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, अपने पार्टनर के लिए तो ये ओवर पजेसिव हो जाते हैं। ये लोग आसानी से किसी को भी अपना मित्र नहीं बनाते, अपने आप में अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सांसारिक और भौतिक दुनिया में ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में लगातार चलता रहता है, यहाँ तक कि ये नींद में भी दिमाग से एक्टिव रहते हैं, बेहद संवेदनशील प्राणी हैं, बहुत आसानी से ये भावुक हो जाते हैं, हर छोटी बात को दिल पर लगा लेते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं और फिर हताश और निराश होने लगते हैं। अगर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो तब तक चैन से ना तो ये खुद बैठते हैं और ना ही अपने साथ वालों को, साथियों को शांत बैठने देते हैं जब तक उस काम को ये सफलतापूर्वक पूरा ना कर लें। ऐसे व्यक्ति हर बात को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, यहाँ तक कि जैसा इनके दिमाग में चल रहा होता है उसे कार्य रूप भी उसी तरह से देते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, अपने तरीके से काम को करते हैं जिस कारण इनके विरोधी भी बहुत अधिक होते हैं, दूसरों की बात को ना तो ये सुनना पसंद करते हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार की तवज्जो देते हैं। हाँ, कानून के नियम को ये पूरी तरह से मानते हैं, अपने घर परिवार में भी ये अपने ही नियम अपने ही कानून चलाते हैं। ये लोग विचारों से बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। 4 जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो आप लोगों पर मकर राशि का प्रभाव भी विशेष रूप से देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी सूर्य राशि है मकर, यानी कि कैप्रिकॉर्न। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपके सोशल स्टेटस को दर्शाती है, आपकी समाज में छवि कैसी रहेगी ये सूर्य राशि बतलाती है। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के नंबर को दिमाग में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है वो। 4 जनवरी को जन्मे हैं आप, तो आप स्टूडेंट्स को मकर राशि के शनि और जो आपकी डेस्टिनी है उसके अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करें, तभी आप मंजिल अपनी आसानी से सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आप अपने पैशन को तो फॉलो कर सकते हैं लेकिन डेस्टिनी को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वहां आपको कड़े संघर्ष के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। हमारा भविष्य हमारी सूर्य राशि और हमारा भाग्यांक नंबर है। 4 जनवरी को जन्मे लोगों पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बरसती है। अब यहाँ पर कृपा दृष्टि से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से अधिक विकसित होगा, मेंटली और टेक्निकली फील्ड की अपेक्षा फिजिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा एक्टिव रहेगा। शनिदेव जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही उनसे फल पाओगे। काले रंग के शनिदेव, उन पर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वो वैसा ही फल देते हैं जैसे आप कर्म करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 4 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से। 4 का अंक राहु का और जनवरी का महीना शनि देव के प्रभाव में आता है। राहु और शनि दोनों ही पाप ग्रह हैं, दोनों ही क्रूर ग्रह माने गए हैं। दोनों ही ग्रह रात्रि में बलि होते हैं। शनि का वर्ण श्याम है तो राहु का चमकीला गहरा नीला। शनि अंधेरे का ग्रह है तो वहीं राहु भी एक माया है, जिस कारण शनि और राहु का संबंध नकारात्मक शक्तियों को पैदा करता है। कुंडली में अगर शनि और राहु युति में हो जाएं या फिर एक दूसरे को दृष्टि से देख लें तो इसे नंदी योग की संज्ञा भी दी गई है। ऐसे व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त देखे जा सकते हैं। किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, नकारात्मक सोच रखने वाले हो जाते हैं। हर काम में फिर इनके बाधा आने लगती है। अपने ही डिसीजंस पर अपनी ही बातों को लेकर ये भ्रमित हो जाते हैं। संतान सुख में भी इनके काफ़ी समस्या आ सकती है। रिश्तों के प्रति या तो इन्हें धोखा मिलता है या फिर कलहपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इनकी शिक्षा में भी बाधा आ सकती है। लाइफ में इन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिस घर में जिस भाव में शनि और राहु बैठे होते हैं उस घर से संबंधित कार्यों में उन रिश्तों में काफ़ी बाधाएं आती हैं। अचानक से ऐसा कुछ हो जाना जिसके बारे में दूर दूर तक कोई आपको अंदेशा ही ना हो, ऐसा हो सकता है। भारी नुकसान हो जाना। शनि और राहु की दशा काल में एक के बाद एक मुसीबतें आती जाती रहती हैं। जीवन के उत्तराल में यानी कि 45 से 47 की उम्र के बाद आप लोगों की लाइफ में सुखद परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आने शुरू होते हैं। तब जाकर आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा की ओर लेकर जा पाते हैं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर राहु का फल देखना है तो पहले अपने शनि को देखो। शनि का फल जानना है तो पहले अपने चंद्रमा पर नजर डालो। यानी कि प्रत्येक ग्रह एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन इनमें शनि को ही विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि शनि से हम मकान वाहन का सुख भी देखते हैं। शनि से हमारे कार्य क्षेत्र को देखा जाता है। शनि हमारे कर्म प्रधान ग्रह हैं। वहीं दूसरी ओर राहु को आकस्मिक लाभ का कारक माना गया है। राहु को कलयुग का राजा माना गया है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी राहु है। राहु से ऑनलाइन, सोशल मीडिया और यहां तक कि विदेशों से संपर्क। अगर आपका राहु अच्छा है तो आप इन सब से अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। राहु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित भी कर सकता है और व्यक्ति की बुद्धि को एक टेक्निकल पॉइंट भी दे सकता है। राहु से कबाड़ भी देख सकते हैं, बिजली से संबंधित कार्यों को भी देख सकते हैं। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह को दूषित अवश्य करेगा, यानी कि वो ग्रह अपने शुभ फल नहीं दे पाएगा। शनि और राहु अगर एक साथ बैठे हों तो ऐसे लोगों पर टोने टोटके बुरी नज़र, बहुत जल्दी बुरी नज़र का साया पड़ता है, क्योंकि शनि को प्रेत माना गया है और राहु को छाया, जिसे सामान्य भाषा में हम प्रेत योग, पिशाच योग भी, पितृदोष भी कहते हैं। राहु सदैव शनि की छत्र छाया में रहना चाहता है, इसीलिए जब राहु शनि के साथ बैठ जाता है तो शनि के फलों का भी नाश कर देता है। और अगर मंगल का भी इनके साथ किसी तरह से संबंध बन जाए तो मांस मदिरा का सेवन तो ये लोग करते ही हैं और भी ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। ऐसे व्यक्ति बुरे कार्यों में भी संलिप्त हो सकते हैं। अतः जिनका जन्म 4 जनवरी को हुआ है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, उन्हें विशेष रूप से पालन पोषण देना होगा ताकि ऐसे बच्चों की बुद्धि एक सही दिशा में कार्य कर सके। सर आइजक पिटमैन, लुई ब्रेल 4 जनवरी को जन्मे लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 6 और 8। 6 का अंक यानी कि शुक्र और 8 का अंक शनि। आपके लिए सम राशि है 3, 5 और 7। 3 का अंक गुरु का, 5 का अंक बुध और 7 का अंक केतु का। आपके शत्रु अंक बनते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य, 2 का अंक चंद्र और 9 का अंक मंगलदेव।
आपके लिए शुभ तिथियां हैं 4, 13, 22 और 31, 6, 15 और 24। आपके लिए शुभ दिन हैं मंगल, शुक्र और शनि। आपके लिए शुभ रंग है डार्क ब्लू कलर, चमकीला नीला रंग, ग्रे कलर, ब्राइट कलर। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी, घनिष्ठता उन लोगों के साथ ज़्यादा देखी गई है जो आपके अपने ही समय में पैदा हुए हों, यानी कि 21 जून से 27 जुलाई, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य जनवरी लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। और वहीं 21 अप्रैल से 27 मई, 21 अगस्त से 27 सितंबर के मध्य जन्मी लोगों के बीच आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं। अगर आप इसी समय के बीच में 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो वो भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।